दोस्तों आज हम बहुत ही सुंदर प्लान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देख सकते हैं, अगर आप नॉर्मल प्लान चाहते हैं और वो बेहतरीन से डिज़ाइन के साथ, तो आप इस मॉडल को कंसीडर कर सकते हैं। ये मॉडल बहुत ही खूबसूरत होने वाला है दोस्तों। फ्रंट से अगर आप देखेंगे ना, तो बहुत ही बेहतरीन लगेगा। हम विंडो का डिज़ाइन, फ्रेम वगैरह में बहुत ही यूनिक क्रिएट करने की कोशिश की है। और यहाँ पर देख सकते हैं, एक छोटा सा पोर्च का डिज़ाइन भी है, जिसमें कफरेल का डिज़ाइन मैंने दिया है। और अगर आपका ये प्लान चारों तरफ से ओपन है ना, तो आप चारों तरफ विंडो लगा सकते हैं। हालांकि मैंने विंडो नहीं लगाई है। अगर आप विंडो लगा सकते हैं, तो आपके घर में और भी बेहतरीन तरीके से वेंटिलेशन की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो फ्रंट से ये है, इसी बारे में डिस्कस करेंगे। और इसका साइज है 33x43। दोस्तों अगर आपके पास जगह है लगभग यही, तो आप बहुत ही आसानी से मॉडल को बनवा सकते हैं, क्योंकि ये मॉडल बहुत ही यूनिक और बेहतरीन होने वाला है। तो आप इस चैनल पर बने रहें, मैं लगातार अपडेट देता रहता हूं ऐसा मॉडल्स के लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा या बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो लगातार देख सकें। तो आज का मॉडल जो है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ, जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू समझ में आ जाए, सारी चीज़ें समझ में आ जाए। देख सकते हैं आप, टॉप से देखिएगा कितना बेहतरीन सा डिज़ाइन है। और इधर देख सकते हैं फ्रंट, और जब आप जूम आउट करते हैं तब देखिएगा स्टेयर से यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे। और ये पोर्च का डिज़ाइन है, ये मेन डोर है दोस्तों। और मेन डोर के दोनों साइड में विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए, इससे आपको प्रॉपर और वेंटिलेशन होता रहे, हवा वगैरह क्रॉस होती रहे, आपको दिक्कत ना आए। तो इसके ग्राउंड फ्लोर को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है। जैसे आप स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर जाएंगे, तो ये आपको पोर्च और इसका बड़ा सा एक बरंदा देखने को मिलेगा। अगर आप टॉप से देखेंगे ना, तब आपको सारी चीज़ क्लियर होगी। तो इसके बाद ये आपको राइट हैंड में एक बेडरूम मिलता है। देख सकते हैं इसमें डोर और विंडो मैंने अलग से दी है आपका बरामदे तरफ से, और फ्रंट से तो आपका विंडो है ही। ऐसा सिमिलर लेफ्ट हैंड में भी है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों राइट हैंड की अगर हम बात करें, तो इसके लिए अटैच लेटन बात है दोस्तों। ये दो भाइयों के लिए हाउस क्रिएट किया गया है। अगर आप दो ब्रदर हैं और वापस में कभी बंटवारा होता है, तो आप इस मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बाहर से तो एक लगे बट अंदर दो फैमिली रह रही होंगी। इस लेफ्ट हैंड वाले भी अटैच लीट एंड मैंने बात एक दी है। अंदर जाते हैं तो ये दोस्तों आपको किचन राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पर भी किचन एक देखने को मिलती है। अंदर जाएंगे तो बड़ा सा आंगन, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों तरफ आपको स्टेयर्स मिल जाती हैं चढ़ने के लिए, क्योंकि दो भाइयों के लिए मैंने पूरा सेपरेट किया है। स्टेयर्स भी दोस्तों मैंने सेपरेट बना रखी हैं। इसका सबसे पीछे अगर जाएंगे तो कॉर्नर पर दो बेडरूम मिलते हैं, और उसके बीचों बीच दो लेट बाथ और मिलते हैं, जो कि आपके सेपरेट लेट बाथ है। अटैच लेट बाथ मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ यहाँ पर, ये सेपरेट लेट एंड बाथ है। तो राइट हैंड के लिए एक बेडरूम और एक लेट बाथ, लेफ्ट हैंड के लिए एक बेडरूम और लेट बाथ। तो दो भाइयों के लिए एक बेहतरीन सा मॉडल, जिसमें दो बेडरूम और दो लेट बाथ, एक अटैच एक सेपरेट, एक किचन एक स्टेयर्स, आंगन कम्बाइंड आप यूज़ करिएगा और बारंदा भी कम्बाइंड यूज करिएगा। तो बहुत ही बेहतरीन और यूनिक डिज़ाइन दो भाइयों के लिए मैंने बनाने की कोशिश किया, जो कि बहुत ही सिंपल और लो बजट प्लान ये दोस्तों आपके सामने मैंने डिस्कस किया है। बात करते हैं लास्ट फ्लोर की। तो जैसे आप ऊपर पहुंचेंगे, 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल, मैंने दोस्तों स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी नहीं बनाई है, आपको बनाना है। इसका ये देख सकते हैं, ये आपका डिज़ाइन, ग्रिल का डिज़ाइन आप देखिएगा कैसा बना हुआ है। टॉप से देखिएगा कितना बेहतरीन और यूनिक बनाने की मैंने कोशिश की है। तो ऐसे ही मॉडल मैं दोस्तों मैं लगातार बनाता रहता हूँ। तो ये मॉडल आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं रूम का साइज वगैरह, तो आप अपने वेबसाइट smallhouseplan.com पर जाकर विजिट करें। वहाँ पर दोस्तों ऐसे मॉडल्स का वेबसाइट पर अपने अपडेट देता रहता हूँ, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। या आप हमारी पेड सर्विस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी बात को आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी घर होगा वो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।